आप रोजाना अपने आसपास कई तरह की कारें देखते हैं, आप में से कई लोगों के पास तो होंगी भी और कई लोगों का कार लेने का सपना होगा। आज तकनीक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां पर सपने सच होते दिख रहे हैं। आने वाले सालों में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मर कार से लेकर उड़ने वाली कार अब सिर्फ सपना भर नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि भविष्य में कारों की दुनिया कितनी अलग और हाईटेक होगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा दें कुछ ऐसी अनोखी कारें जो आपके होश उड़ा देगी। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। टेस्ला साइबर ट्रक। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने नवंबर 2019 के अंत में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने लॉन्च किया। बाहर से देखने पर यह साइबर ट्रक ऐसा है मानो जॉम्बीज की किसी मूवी से निकल कर आ गया हो, लेकिन भविष्य की इस कार की खासियत देखकर 25 लाख की शुरुआती कीमत वाले इस साइबर ट्रक को 2.5 लाख लोगों ने तुरंत प्री ऑर्डर तक कर दिया है। बता दें कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला साइबर ट्रक है जो एक बार चार्ज होने पर 400 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 6.5 मिनट में हासिल कर सकता है। टेस्ला साइबर ट्रक में 6 लोगों के बैठने की जगह है और 3500 किलो का वजन उठाने की काबिलियत रखता है। फ्यूचरिस्टिक और यूनिक डिजाइन के कारण लोगों को खूब पसंद आया। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया, लेकिन इस पर खरोंच तक नहीं आई। हालांकि बुलेट प्रूफ खिड़कियों पर जब स्टील बॉल फेंकी गई तो वो टूट गई, जिसकी उम्मीद इलॉन मस्क को नहीं थी। इस वजह से वो शर्मिंदा भी हुए क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैसे साइबर ट्रक का 2021 तक उत्पादन और 2022 तक अमेरिकी बाजार में उतारने का इरादा है। इससे पहले फोर्ड की एफ सीरीज 40 से अधिक सालों से अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली पिकअप ट्रक रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। रोल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100। लग्जरी कार बनाने के लिए मशहूर रोल्स रॉयस ने 100 साल के बाद चलने वाली लग्जरी कॉन्सेप्ट कार विजन नेक्स्ट 100 का डिजाइन पेश किया। इसे 103EX के नाम से भी जाना जाता है। विजन नेक्स्ट 100 द्वारा कंपनी ने 100 साल बाद आने वाली कार के बारे में सोचा, जबकि ज्यादातर कंपनियां आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती है। दरअसल ये कार इतनी बड़ी है कि इसे क्रूज शिप ऑन व्हील्स तक कहा जाने लगा है। खासकर सामान रखने के लिए इसमें जो स्पेस दिया गया है वो इसका आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। ये करीब 19.4 फीट लंबी जीरो एमिशन सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ये सिल्क से बने सोफा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट जैसे हाई फीचर से लैस है। अगर आप अपनी आंखें इन शानदार आधे छुपे पहियों से हटाकर इसके प्रभावशाली डूर मैकेनिज्म को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पैसेंजर बाहर निकलने से पहले पूरी तरह से खड़ा हो सकता है। पहली कार को बनाने में $10 मिलियन खर्च हो गए भाई साहब। टोयोटा फन वी आई आई। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार कारों को पेश करने वाली जापान की प्रमुख कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने बेहद ही शानदार और आधुनिक तकनीकी से लैस कार को पेश किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और आश्चर्यजनक फीचर्स को इस कार में शामिल किया गया। निश्चय ही ऐसी कार आपने कभी नहीं देखी होगी। इस कार में जिन तकनीकों का प्रयोग किया गया वो अभी तक किसी दूसरी कार में देखने को नहीं मिली। इस कॉन्सेप्ट कार में कंपनी ने VII यानी कि व्हीकल इंटरनेट इंटरएक्टिविटी तकनीक का प्रयोग किया है। फिलहाल ये केवल कॉन्सेप्ट वर्जन ही है और कंपनी का दावा है कि निकट भविष्य में जल्दी इस कार को बाजार में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर से एक LCD स्क्रीन पे है जो कि पूरी तरह से टच स्क्रीन है। इसे आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कार में आप अपने मनचाहे वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में प्रयोग करते हैं। यानी कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कौन से रंग की कार लेनी है। टोयोटा की ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है जिसके लिए कंपनी ने इस कार में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का प्रयोग भी किया है। इसे आप एक फिक्स एरिया में खड़ी करके कार को चार्ज भी कर सकते हैं। इस कार में कुल 3 सीटों की व्यवस्था की गई है जिसमें 2 व्यक्ति आगे की तरफ और 1 व्यक्ति पीछे बैठ सकता है। ये कार हर समय इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी जो आपको कार के बाहर की दशाओं के साथ साथ आपको आपके स्वास्थ्य आदि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगी। मुझे तो इस कार को इच्छा अनुसार कोई भी रंग देने वाला फीचर पसंद आया। आपको द हम राइडर।
अब हम जिस कार की बात कर रहे हैं ना, वो पहली नजर में देखने पर आपको एक आम ग्रैंड चेरोकी जैसी लगेगी। हालांकि जब ये कार ट्रैफिक में फंसती है, तब यही आम से दिखने वाली कार अपनी छिपी हुई क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। द हम राइडर जीप को A2ZFX के स्कॉट बेवरली द्वारा डिजाइन किए गए कस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम पर बनाया गया। एक बटन को दबाने पर हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रैंड चेरोकी को हवा में ऊपर उठाता है, जहां ये 9 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और अपने नीचे 5 फुट की खाली जगह बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हाइड्रोलिक बाहर की तरफ भी निकल जाते हैं, ताकि एक आम कार के अलावा स्टैंडर्ड सेडान को क्लियरेंस देकर आगे बढ़ सके। इसके अलावा आगे बढ़ते समय नीचे से किसी कार को कोई नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम राइडर के नीचे 4 कैमरे भी लगाए गए, जिसकी मदद से ड्राइवर जिन गाड़ियों के ऊपर से जा रहा है उन्हें सही तरीके से देख सके। इससे पहले कि आप इसके प्राइस का अंदाजा लगाएं, हम आपको बता दें कि फिलहाल ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय ये वेरिजोन के हम प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का वाहन है, लेकिन इस कार को देखकर हम भविष्य में आने वाली कारों का आकलन कर सकते हैं। हुंडई एलिवेट। हुंडई इस कार पर 3 साल से काम कर रही है। कंपनी ने इसे एलिवेट कॉन्सेप्ट नाम दिया है। इस कार की खासियत ये है कि ये न केवल पहियों पर दौड़ सकती है, बल्कि खुद अपने पैरों पर चल भी सकती है। कंपनी ने इस कार में पहियों के साथ साथ पैर भी लगाए हैं, जो कि खराब रास्तों पर आसानी से वॉक करने यानी कि चलने में सक्षम होंगे। फिलहाल कंपनी ने इस कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश किया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। हुंडई का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को उन स्थानों पर ले जाना है, जहां पहले कोई अन्य वाहन ना गया। उदाहरण के लिए अन्य ग्रहों की खोज जैसे काम के लिए इसे रखा जा सकता है। कार पैसेंजर कंपार्टमेंट की पोजीशन को मेंटेन रखते हुए पैरों को बारी बारी से चढ़ने या रेंगने के लिए इस्तेमाल करती है। 4 पैरों वाली एलिवेटेड कार 5 फीट ऊंची दीवार पर भी चढ़ सकती है। इस कार को किसी तरह की आपदा के दौरान भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे कंपनी ने इस प्रकार तैयार किया है कि स्थिति के अनुसार खुद में जरूरी बदलाव कर सकती है। इसमें जो रोबोटिक पैर लगाए गए हैं, वे बड़ी आसानी से 5 डिग्री तक भी घूम सकते हैं। डेकवाडा। न्यूजीलैंड की कंपनी गिब्स टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक ऐसी कार डिजाइन की है, जो कि एक ही रफ्तार में सड़क से पानी में दौड़ती है। ये एक ऐसी कार है जो सड़क पर लग्जरी कार और पानी में एक बोट की तरह सरपट दौड़ती है। इस कार को लोगों के लिए बाजार में उतार दिया गया है। न्यूजीलैंड के उद्योगपति एलन गिब्स की कंपनी गिब्स ने इस एक्वाडा कार का आविष्कार किया। गिब्स ने इस कार को आम लोगों के लिए बाजार में पेश कर दिया है। ये कार सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटे भरती है। ये कार पूरी तरह से वाटरप्रूफ कार भी है। ये कार सामान्य लग्जरी कारों की तरह ही दिखती है। इस कार में बस तकनीकी रूप से कुछ बदलाव किए गए, जिसके चलते महज एक बटन दबाते ही ये कार से बोट में तब्दील हो जाती है, और अपनी इस प्रक्रिया में ये कार केवल 10 सेकंड का समय लेती है। इस कार के पहियों के अंदर की तरफ स्पेस होता है, और सड़क से पानी में उतरते समय बस आपको एक बटन को दबाना है और कार के पहिए अंदर की तरफ चले जाते हैं और पानी की सतह पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इसके बाद पानी की सतह को पकड़ कर ये पहिए घूमने लगते हैं और कार पानी की सतह पर आसानी से एक बोट की तरह भागती है। एरोमोबिल। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से सड़कों का जाम होना आम बात है। इस परेशानी से निजात पाने का तरीका टेक्नोलॉजी के पास है। सुनने में सपने जैसा लगता है ना, लेकिन जल्द ही लोग उड़ने वाली कारों में सफर करेंगे। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है हम जल्द ही दुनिया की पहली फ्लाइंग कार के प्रोडक्शन वर्जन को देख पाए। स्लोवाकियन एरोमोबिल कंपनी का कहना है कि एरोमोबिल एक इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह एक 4 चक्के वाली कार भी है। इस कार में एरो और कार के पूरे फंक्शन है। ऐसे में ये भविष्य में ट्रांसपोर्ट का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट फ्लाइंग कार का पुराना वर्जन एरोमोबिल 3.0 3 सीटर वाला था। इसमें रोटेक्स 912 4 सिलेंडर इंजन दिया गया, जो 99 BHP का पावर जनरेट करता है, और हवा में इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आ रहा है, जबकि सड़क पर यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देगा। माना जा सकता है कि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वर्जन में कंपनी ने टेक्निकल दृष्टि से भी बदलाव जरूर किए होंगे। कंपनी के दावे के मुताबिक सड़क पर इसकी माइलेज 12.5 किलोमीटर पर लीटर होगी और हवा में इसकी माइलेज 15 लीटर पर आर होगी। इस व्हीकल की सड़क पर रेंज 875 किलोमीटर है, वहीं हवा में इसकी रेंज 700 किलोमीटर है।
वैसे अभी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हो तो अपनी मनपसंद इंडियन कार का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए।